आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे सीसीआई की, क्या हो रही है नई पेशकश। अमेजन के ऊपर काफी सख्त नजरें गड़ा के बैठा हुआ है सीसीआई और अपना शिकंजा कसेगा अब सीसीआई। पूरा खबर का विश्लेषण करेंगे, लेटेस्ट न्यूज है, प्रिंट मीडिया की न्यूज है, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आज के मार्केट क्लोज होने पर आपके शेयर्स अभी तक प्रॉफिट में आए कि नहीं आए। दोस्तों अगर प्रॉफिट में आए हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर एवरेज आपका हायर है तो हमें बताइए ताकि हम आपको एडवाइस कर सके अकॉर्डिंगली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब अगर हम बात करें, तीन मुख्य खबरें आपको इसमें पेश करेंगे। सबसे पहली खबर की बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप के रेफरेंस में। देखिए यहां पर जो सीसीआई का काम चल रहा है उसमें इन्होंने एक बहुत तकड़ी पेशकश की है कि यहां से ये फास्ट ट्रैक करेंगे इस केस को जो अमेजन के खिलाफ, अमेजन ही नहीं, अमेजन और फ्लिपकार्ट या फिर हम कह सके वॉलमार्ट के खिलाफ चल रहा है, वो बहुत तगड़ी लेवल से इसको फास्ट ट्रैक करने की बातें चल रही हैं। यहां पर बात करेंगे द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपेडाइट, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अमेजन का है यहां पर, कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं अपने वेंडर्स को जिनके साथ उनके फर्म के पार्टनरशिप और टाइंग अप है, वो करेंगे। अब देखिए यहां पर फास्ट ट्रैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे इशू के लिए डाटा प्राइवेसी बिल लेके आ रही है। पॉलिसी सम इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ी सी टशन चल रही है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड यूएस बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स लाइक अमेजन हो गया आपका, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। तो ये एक चैलेंज बन सकता है आगे यहां पर, जिसके चलते हुए इंडिया के कंट्री में है तो इंडिया के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और यहां पर उनका बिजनेस भी बंद हो सकता है। सीआईटी इज इन फुल एक्शन, जैसा बताया था ये हफ्ता एक ई कॉमर्स प्यूरिफिकेशन हफ्ते की बात कर रहे हैं। यहां पर सेक्शन टू की अगर बात करें तो देखिए किशोर बयानी जी और मुकेश अंबानी जी ने मनी मन में डील पूरी कंप्लीट हो चुकी है उनके हिसाब से, और ग्राउंड लेवल पर अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो उनको पता है कि सारी क्रेडिट लाइन जो है जियो मार्ट से आ रही है और यहां पर उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सीसीआई ने जो अमेजन के ऊपर अपना शिकंजा जकड़ा है उससे अब लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अमेजन बहुत उछल रहा था, अब देखिए यहां पर वो जो फ्यूचर कूपन के शेयर हैं अगर सही तरह से कंजा पकड़ा गया तो वो उनको औने पौने दाव में फ्यूचर ग्रुप को ही वापस करने पड़ेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कंपटीशन कमीशन इंडिया को एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस का प्रूव करने के लिए, फास्ट ट्रैक पर अभी प्रूव होगी जो उन्होंने कंफर्म किया है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें ईडी इन्वेस्टिगेशन, वायलेशन अगर लॉ करेंगे तो एफडीआई के तहत उनको बुक भी किया जा सकता है, उनके बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है। यहां पर अमेजन ने क्यों इन्होंने बताया है इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में अगर इस तरह के करते हैं तो उसमें कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको एक्सपेडाइट तरीके से करेंगे। और यहां पर लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ प्रेशर आ रहा है सीसीआई पर इसको जल्दी से क्लियर करने के लिए। यहां पर अगर हम बात करें बिग बाजार का डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ में अगर आप हमारे पेड सर्विस चाहते हैं तो उसके लिए मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों इनका सारे के सारे स्टॉक का अपर सर्किट लिमिट भी चेंज हो गया कल के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। फ्यूचर रिटेल का अपर सर्किट है 76.25 रुपए, आज 10% पर बंद हुआ था। यहां पर एफईएल का अपर सर्किट 5% रह गया है, 14 रुपए। फ्यूचर कंज्यूमर का अपर सर्किट भी कम हो गया है और ये यहां पर करीब करीब आपका 12 रुपए 45 पैसे के आसपास, ये भी यहाँ पर 10% का अपर सर्किट रह गया है इसका। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की अगर बात करें आज 85 रुपए 35 पैसे बंद हुआ है, और कल का इसका अपर सर्किट यहाँ पर 89 रुपीज 60 पैसा है, 5% का रह गया है इसका भी। और फ्यूचर सप्लाई चेन का अगर अपर सर्किट की बात करें तो ये यहाँ पर अपर सर्किट 122 रुपये का कल लगेगा, जो कि यहाँ पर अभी के हिसाब से 5% का है। एफएमएनएल का शुरू से ही 5% था, देखिए उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई थी, वो कंटिन्यू रहेगा 5% का अभी यहां पर एज इट इज। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आज का भाव जो रहा फ्यूचर रिटेल का बहुत अच्छा है, और वॉटेक्स इंडेक्स अगर आपने किसी ने नहीं यूज किया है तो आपको बताना चाहेंगे कि पिछले जब से वॉटेक्स इंडेक्स ने मोमेंटम शुरू किया है यहाँ पे 46 रुपए के बाद से, देखिए टेक्निकल पैरामीटर पर देखेंगे तो ये बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, और यहाँ पर लग रहा है कि अभी कंटिन्यू और हो सकता है वॉटेक्स इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। सेम केस अगर एफईएल का भी वॉटेक्स देखें 13 रुपए 35 पैसे पर है, और इसका वॉटेक्स इंडेक्स भी यहाँ पर बहुत बड़ा लेवल का बाइंग बता रहा है। हमारे 2 महीने का रिटर्न 81%। अगर हम बताएं सीसीआई क्यों करना चाहता है यहाँ पर, ताकि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा इंडियन कंपनीज का और स्टार्टअप का, ये एक चैलेंज होता है जिसके चलते हुए ये यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस रहेगी अगर इस तरह का काम होता है। बिग बाजार की होम डिलीवरी बहुत अच्छा रिटर्न कर रही है, 2
महीने में ही उनका 50,000 का आ गया है, और एम है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऑर्डर का करने के लिए, ताकि कस्टमर ज़्यादा आए इनके पास में और इनका रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो। बहुत जल्द अगले क्वार्टर में ही ये प्री क्वार्टर लेवल पहुंच जाएगा। अगर आप हमारे पेड सर्विस है तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं। 4 वीडियो प्रस्तुत है दोस्तों, बाय गाइस।